CNU News, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NU News और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको बताते चलें कि आज मुंबई के गोरेगांव के आरे कॉलोनी के रॉयल पॉम्स गोल्डन बिल्डिंग के पास हाई परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उमर नैन्सी साहब उपस्थित रहे। और ये शुभारंभ मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी के निवासियों के लिए एक उपहार के रूप में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आरे कॉलोनी के रॉयल पॉम्प्स में। आज का दिन आरे कॉलोनी वासियों के लिए बहुत खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग हुआ है। आज या रॉयल पॉम्प्स के गोल्डन आइल में हाई परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक सेंटर का आज ग्रैंड ओपनिंग किया गया है, जिसके हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे डॉक्टर लोकेश जायसवाल जी भी हैं। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने इनवाइट किया था रॉयल पॉम्प्स के ओनर उमर नैन्सी साहब को, जो कि आए हुए थे और ग्रैंड ओपनिंग करके गए हैं। आइए हम डॉक्टर लोकेश जी से पूछेंगे कि ये जो आपने डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, आपका मोटो क्या है और क्या क्या आपने सुविधाएं यहाँ पे रखी हुई है? ये जो हमने डायग्नोस्टिक सेंटर खोला हुआ है, एक्चुअली ये हमने कोविड को देखते हुए हमने ये बड़ा सेटअप डाला है। और यहाँ पे बिल्डर वगैरह भी अच्छा सपोर्ट किया है, हमने नैन्सी सर ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। ये हमने ये सेटअप डाला है कि जहाँ पे हम जो दिक्कत है कोविड RT-PCR की, एटलीस्ट हम लोग को पूरी कर सके। एटलीस्ट हमारा जो दिन का जो एटलीस्ट हम लोग ने जो बड़ा सेटअप डाला है, हम लोग 1000 टेस्ट इन अ डे वो हम लोग कर सकें, तो उस हिसाब से हमने डाला है टू हेल्प पेशेंट्स कि भैया जो रिपोर्ट्स के इश्यूज हैं वगैरह हैं, ये सब नहीं होंगे। और रॉयल पॉम्प में ऐसा भी बहुत सारे इश्यूज थे जहाँ पे यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह नहीं है, इसके लिए हम लोग ये चूज किया है, ये एरिया चूज किया है। सबसे पहले एनयू न्यूज आपको धन्यवाद देता है कि आरे रहवासियों को बहुत दूर जाना पड़ता था कोविड टेस्ट कराने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उमर नैन्सी जी को यहाँ पे इन्वाइट किया था, तो उन्होंने आपको क्या बताया, वो आए थे आपको क्या? उमर नैन्सी सर को हमने इन्वाइट किया था, ही वॉज वेरी गुड पर्सन पहली बात तो, और दूसरी बात उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है हमें। उन्होंने जो भी बोला है कि जो भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा हम करेंगे, डोंट वरी, यू जस्ट डू योर बेस्ट। तो वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि वी विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स एंड एज वेल एज फास्ट एज रिपोर्ट जो हम दे सकें हम प्रोवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे आप जो आरे कॉलोनी के लोग आएंगे, कुछ उसमें गरीब तबके के भी लोग हैं, तो उनके लिए आपने कुछ अलग सुविधा रखा हुआ है? अगर समझे कि जैसे कि कुछ गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वी विल ट्राई कि हम उनको फ्री में करके दें। अभी आपने मशीनें क्या क्या डाली हैं? हमने यहाँ पे ना RNA एक्सट्रैक्शन विथ RT-PCR, ये किस चीज़ का मशीन है? ये आप देखेंगे RT-PCR मशीन है जो कि हमें एक घंटे में 96 रिजल्ट दे सकता है, नियर अबाउट 100 रिजल्ट हमें एक घंटे में हमें देगा। तो ये हमारा RT-PCR मशीन है, और हमारे पास RNA एक्सट्रैक्शन भी है जो हमें एक घंटे के अंदर 50 सैंपल दे, आधे घंटे के अंदर 50 सैंपल देता है, नियर अबाउट एक घंटे में हमें 100 सैंपल वो भी देगा। नियर अबाउट हम 3 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 सैंपल कर सकते हैं, और नियर अबाउट हम लोग इन अ होल डे वी विल प्रोवाइड यू द 1000 पेशेंट रिपोर्ट। आपके टीम में कितने लोग हैं? मैं हूँ, डॉक्टर जैन सरगर है, डॉक्टर पारुलता मैडम है, वी हैव अ बिग गुड टीम एंड वी आर ऑल आर एक्सपीरियंस विद दिस एंड लास्ट फ्रॉम वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट कोविड, तो वी नो हाउ इज द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, तो उस हिसाब से वी हैव अ वेरी गुड टीम। और क्या क्या मशीन है आपके पास? एज यू कैन सी जब भी सैंपल आता है तो उसको डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारा ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है। दैट बायोसेफ्टी कैबिनेट इज टू हमें सैंपल रिएजेंट निकालने और सैंपल्स निकालने में हमें मदद करता है कि हमें वायरस हमें लगेगा नहीं। और ये मशीन दिस इज कॉल्ड RNA एक्सट्रैक्शन, ये RNA एक्सट्रैक्शन मशीन है, ये एक घंटे आधे घंटे में हमें 40 सैंपल देता है। आप देख सकते हैं इतनी सारी मशीनें डॉक्टर साहब ने लाया हुआ है, और इनका कहना है कि आरे कॉलोनी के जो रहवासी होंगे उनको हम कुछ अलग तरीके से उनको विशेष सुविधा देंगे। और आगे भी आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको अभी स्ट्रक्चर किया हुआ है। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी है, ये हमारा मास्टर। और ये क्या चीज़ है?